एग्जैक्टली 1 वीक बैक ओबजेल एक्सटेंशन के अक्रॉस रोड्स में इवनिंग 7 to 8 7 बजे के टाइम पे एक औरत बस उतर के दूसरा बस पकड़ने के वास्ते एक ओल्ड एज लेडी वहां खड़े रहे थे। दो आदमी आके, एक आदमी तो उनको ढकल दिया और उसके दूसरा आदमी आके उनके ऊपर पैर लगा के भी वो चेन खींच के गए। वो रात में हुई वो इंसिडेंट और पुलिस स्टेशन के नजीक ही हुई बोल के हम लोगों पूरा, मैं भी वहां स्पॉट विजिट करा था वो दिन। वो बाजू में बुद्धवेल और वो लोगों बहुत लोगों आए थे सर। यही प्लेस में फॉर 3 इयर्स से दिस इज द फोर्थ इंसिडेंट, वो 14 बार हुई। उसको कैसा भी पकड़ना बोल के हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम भी ये चैलेंज लिए क्योंकि पूरा ऐसे हेल्पलेस लोगों को बोलते वुमेन और एज्ड में वही टाइम पे होना बोल के वही कर रहा बोल के हमको भी चैलेंज लिए थे। जब वो संजय बोल के हमारा क्राइम्स इंस्पेक्टर है और गंगाधर राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर और टीम्स, वही दिन बैठ के हम लोगों के पूरा ये लोगों को चैलेंज लिए थे। ये 100% ये केस कैसा भी डिटेक्ट करना ये इज्जत का है। जब ये लोगों ऐसा प्रॉमिस करा लिया, ऐसा ही 1 वीक एग्जैक्टली आज को 1 वीक हुआ, वो दो स्नैचर्स पकड़ा गया वो। और ये लोगों 6 केसेस में अभी तक इन्वॉल्व हुआ, तो वो 6 केसेस में एक प्रॉपर्टी भी बरामद हुई। वो लोगों मुड़ावत पांडू, मुड़ावत सेविया, ये लोगों बिजनेपल्ली का मंडल का है। ये पांडू तो 21 केसेस में अभी स्नैचिंग और हाउस ब्रेकिंग में गया, और सेविया उनके संगत जो रहा था ओनली 18 केसेस में रिमांड हुआ है। और ये सेव एक आदमी इसमें 2 साल कन्विक्शन भी काटा फिर भी वो नहीं बदला। पुलिस ने उनको पीडी एक्ट में डाले थे दोनों की, वो लोगों पीडी एक्ट भी काटा और फिर भी आज ये टाइम पे आके हमारा एरिया में फिर एक बार ये ऑफेंस करा। ये केस में बहुत अच्छा क्राइम कांस्टेबल्स है लखन और चंद्रैया, और हमारा राजेंद्र नगर का क्राइम में वसंत है, और उसमें बहुत शानदार काम कौन कर रहा, ये अब्दुल्ला एएस है, वो मैलाडेवलपल्ली पुलिस स्टेशन है। वो लोगों का इंफॉर्मेशन आते हुए ही वो लोगों वहां इससे पहले महबूब नगर में करे गए थे, उन खुद जाके उसको पकड़ के सबको काउंसलिंग करके जब पूरा बरामद करके उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल करा प्ले करे। ये चेन स्नैचर्स को अभी हम और पीढ़ी में डालने के वास्ते हम भी रिकमेंड करके अभी वो फाइल भेज देंगे। ये आज जो अरेस्ट हुआ वो केसेस में 2022 केसेस वहां का 2 है, 2023 केसेस शमशाबाद और शादनगर का भी, वो पूरा केसेस में आज उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहे। और आप भी देखें वो विक्टिम्स जो औरत लोग हों वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोगों को बुलाए थे, वो फॉर्मेलिटी है। लोग बहुत इतना खुशी है आप देखें। और ये केस में आज ही कोर्ट में वो प्रॉपर्टी डिपॉजिट कर दे रहे, अभी टाइम मिला आज दिला देते, नहीं तो कल तक वो विक्टिम लोगों को वो गोल्ड उनको दिला देने की हम लोग कोशिश करके कल दिला दें। थैंक यू। क्या कितने साल के बाद निकलते ये अभी ये केसेस है ना, अभी 22 का 2 केसेस, 23 का 3 केसेस, एक परसों हुआ, ये 6 केसेस का प्रॉपर्टी ये है। बोले तो ये 6 प्रॉपर्टी ये 2 साल से उन बाहर ऐसा ही घूम गया। इससे पहले उन पीडी भी गया और रिमांड भी हुआ। 21 केसेस में एक आदमी, 18 केसेस में एक आदमी, दो दो जन। अगर वो लोगों का असल पब्लिक में पेश करना, उसका बेसिस भी क्लियर करना था, लेकिन हमारे को फॉर्मेलिटी रहा था टीएपी टेस्ट इन्विटेशन पे रेड करने के बाद हम 100% वो लोगों हर पुलिस स्टेशन में एक बड़ा सा हर गांव में भी दिखना, ये लोगों आए तो जब का जबी यूथ को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो लोगों को पकड़ के हम कहा इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल सकते। थैंक यू।